मां कामाख्या के दरबार में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। जी हां, हरियाणा के कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी गुवाहाटी दौरे पर रहे, कामाख्या माता के मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। नायब सैनी के संग यहां पर उनकी पत्नी भी मौजूद रही। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक उनके साथ मौजूद रहे हैं, मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। चतरा को देखिए, शपथ होगी और शपथ से पहले मां कामाख्या के दर्शन करने के लिए गुवाहाटी पहुंचे हैं कार्यवाहक सीएम नायब सैनी और उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रही है। नियुक्त किया है 16 तारीख को, से भी हमारे लेजिस्लेटिव मेंबर्स उनके साथ मीटिंग होगा। मीटिंग के बाद सारा सप्त ग्रहण का 17 तारीख को कार्यक्रम होगा। आज कामाख्या माँ के चरणों में मुझे आने का, शीश नवाने का अवसर मिला है और मैं पुनः हरियाणा वासियों को इतना बड़ा मैंडेट जो दिया है, आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जो विश्वास व्यक्त लोगों ने किया है, मैं उसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। से पहले आपने मां कामाख्या का दर्शन किया है, तो हरियाणा वासियों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं परम सौभाग्यशाली हूं कि मां कामाख्या के चरणों में आने का अवसर मिलता है। मैं चुनाव से पहले भी मां के चरणों में शीश नवाने के लिए आया था और अब चुनाव के बाद भी मैं मां कामाख्या के चरणों में शीश नवाने के लिए आया हूँ। मैं हरियाणा प्रदेशवासियों के उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूं, हमारे हरियाणा के लोग स्वस्थ रहें और विकास की इस गाथा के अंदर अपना योगदान मजबूती से देते रहें। मैं ऐसी मां कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूं और जो हरियाणा के लोगों ने जो एक बड़ा मैंडेट दिया है, एक बहुमत दिया है, मैं उसके लिए सभी हरियाणा वासियों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूँ और उनके उज्जवल भविष्य की मां कामाख्या के चरणों में प्रार्थना करता हूँ। सीएलपी मीटिंग सर कब होगा? सीएलपी नहीं, देखिए ऐसा नहीं है कि हम मजबूती से लग करके हरियाणा के अंदर आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में जो विकास की एक नई गति चली है, जो भेदभाव हरियाणा के साथ बरता जाता था क्षेत्रवाद के नाम के ऊपर, परिवारवाद के नाम के ऊपर, और जिस प्रकार से युवाओं की अनदेखी होती थी, किसान की अनदेखी होती थी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते थे, गरीबों के ऊपर, दलितों के ऊपर अत्याचार होते थे, ये सरकार मजबूती से हर व्यक्ति के सम्मान को बढ़ाने का काम करेगी और उसको आगे बढ़ाने का काम हमारी सरकार का दायित्व होगा। हम मजबूती से लेजिस्लेटर पार्टी का जो मेंबर्स का मीटिंग होगा ओवरटेकिंग सेरेमनी से पहले सर, वो कब होगा सर? वो 16 तारीख को होगा और 16 तारीख को हमारे जो इंचार्ज लगे हैं, जो ऑब्जर्वर आए हैं, आदरणीय अमित शाह जी। तो 17 को देखिए शपथ ग्रहण समारोह होगा। इधर शपथ ग्रहण समारोह को लेकर तैयारियां तेज हैं। इससे पहले कामाख्या माता के मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी, उनके साथ उनकी पत्नी भी मौजूद रखी है और कामाख्या माता के दर्शन करने के लिए पहुंचे कार्यवाहक सीएम नायब सैनी। ये मंदिर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। कामाख्या माता के दरबार में पहुंचे हैं कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, गुवाहाटी में नायब सिंह सैनी पहुंचे और इस मौके पर बीजेपी के नेताओं ने उनका पटका पहनाकर स्वागत किया है, स्वागत करते नजर आए हैं। कई बीजेपी नेताओं से गुवाहाटी में कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुलाकात की है। पत्नी के साथ मंदिर पहुंचे कार्यवाहक सीएम नायब सिंह सैनी। कामाख्या माता मंदिर में नायब सिंह सैनी ने यहाँ पर दर्शन किए हैं, विधि विधान से पूजा अर्चना की। प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल कौशिक उनके साथ मौजूद रखेंगे। अब 17 तारीख को शपथ ग्रहण होगा, शपथ ग्रहण की तैयारियां की जा रही हैं।